నామయ గురుదేవాయ ధీమతే సమమూర్తయే శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీ రూప సిద్ధాంతి ప్రభవి శ్రీ మహాత్మనే శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద క్రియాద్వైత గదాధర శివసాది గౌరవభక్త వృంద బల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 బల హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ 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 సర్వప్రథమ మరి గురుపాద పద్మ నిత్యానంద అభిన్న కలేవారు సమంత్ర జ్ఞాన ప్రదాత నిత్యలీలా ప్రవిష్ట విష్ణుపాద అష్టోత్తర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి స్వరూప్ సిద్ధార్థ గోస్వామి మహారాజ్ చరణ కమల మే అనంత కోటి సాష్టాంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తా తత్పశ్చాత్ మధ్య శిక్షా గురుపాద పద్మ నిత్యలీలా ప్రవిష్ట విష్ణుపాద అష్టోత్తర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి ప్రదాత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్ చరణ సరోజ మే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా ఉపస్థిత్ శ్రీగతి పాద్గర్ భక్తివేదాస శ్రీల పరిభ్రాజిక మహారాజ్ మాధవ మహారాజ్ తీర్థ మహారాజ్ బ్రహ్మ మహారాజ్ నాశేక మహారాజ్ అన్నాన్న సభి త్రిగతి పాద్ వైష్ణవ వైష్ణవి సభిక చరణమే మీ యథాయుగ ప్రణామ కర్తా హరి కృష్ణ ఆజ్ మరి గురుపాద ప్రతిమ కా ఆజ్ శుభ ఆశీర్వాద్ తిథి హై ఇసిలియే कहते जो गुरुदेव है हम सबसे ज्यादा जो ऋणी है श्री गुरुदेव का शिष्य है इसलिए श्रील भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज एक दो बात कहते थे वो कहते थे जब भगवान नाम आए तभी भी हम किसी ना किसी तरह से उस समय भी होते हुए लेकिन जब कृष्ण आए उसी समय भी होते हुए जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए तभी भी इसी दुनिया में तभी भी हम होते हुए थे लेकिन जब छह गोस्वामी आए नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास प्रभु आए उसी समय भी उस दुनिया में किसी ना किसी रूप में हमने जन्म लिए होंगे लेकिन हमारी जो उद्धार है हमारा जो उद्धार है किसी ने भी नहीं किया लेकिन हमारी उद्धार किया तो किसने किया हम जैसे अधर्म व्यक्ति को चोटी पकड़ करके ये नरक से निकाले तो किसने निकाले बोले श्री गुरुपाद पद्म निकाले श्री गुरुपाद पद्म निकाले इसलिए महाराज प्राय कहते हैं ना मद गुरु जगत गुरु और मदनाथ जगतनाथ इसलिए श्रील बावन गोस्वामी महाराज और भी एक बात कहते थे कहते हम श्री कृष्ण को भी नहीं जानते हैं हम श्री राम को भी नहीं जानते हम श्री महाप्रभु को भी नहीं जानते हम श्री छह गोस्वामी को भी नहीं जानते हम सब सबसे पहले किसको जानते हैं श्री गुरुपाद पद्म को जानते हैं क्योंकि गुरु जी कहते हैं महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु है कृष्ण है और राम है ये बात हम किससे सुने हैं श्री गुरु जी से हम सुने हैं इसलिए गुरु जी की जो कृपा है हमारे ऊपर में सबसे बड़ी कृपा श्री गुरुपाद पद्म की कृपा है बोले श्री गुरुदेव की इसलिए आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने वैष्णव मुखार से मेरे गुरु जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कथा सुने मैं भी एक दो बात बताई कहते श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत में आए कहते वो अकेले नहीं इसलिए कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सत शिव धाम सहावते पूरा धाम और परिकर को लेकर जाते लेकिन परिकर को उसी तरह जब प्रभुपाद आए कहते प्रभुपाद कौन है ये राधा रानी के नए हमारी मंजर ये प्रभुपाद है इसलिए हमारे भक्ति प्रख्यात केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ी बात कहते थे अभी तक जितने आचार्य आए एक तराजू लेकर के उनकी वशिष्ठता को उनकी अवदान को उनकी देह को तराजू का एक तरफ में धरो
और श्रील प्रभुपाद का तेल अजर और इनका अवतार को तराजू के दूसरे तरफ में रखोगे, देखोगे प्रभुपाद का जो पल्ला है वो भारी है। प्रभुपाद का पल्ला इतने बड़े प्रभुपाद के लिए ये भक्ति प्रज्ञा किशोर गोस्वामी महाराज कहते थे, क्योंकि अगर ये प्रभुपाद जगत में नहीं आते हैं ना, हम कभी भी अभी यहाँ पर बैठ करके जितने काले गोरे फ्रांस लंदन अमेरिका सारा दुनिया के लोग बैठ करके हम अभी जो हरि कथा सुन रहे हैं वो कौन महापुरुष किसके अवतार है? कहते श्रील प्रभुपाद के अवतार है। इसी महापुरुष की वजह से हम लोग थोड़ी बहुत भजन करने की प्रयास कर रहे हैं, इसकी कृपा है। इसलिए ये कौन है? बोले श्री राधा रानी की नयन मणि मंजर है। राधा रानी की ये आंखों की नयन मतलब आंख है, मणि मतलब उसका जो पुतला है, ये राधा रानी के आंखों की पुतला के प्रभुपाद है, ये प्रभुपाद है। इसलिए श्री राधा रानी प्रभुपाद को कहते प्रभुपाद नयन मणि मंजरी, जाओ देखो ये जगत में जीव कितने दुख कष्ट भोग कर रहे हैं संसार में, तुम जाकर के इस ऊपर में कृपा करो, इनको उद्धार करो। बोले अकेले मत जाओ, राधा रानी कहती है तुम अपना परिकर को लेकर के तुम जाओ, अकेले नहीं। इसलिए प्रभुपाद जब किसी जगत में आए वो अकेले प्रभुपाद नहीं, पूरा अपना परिकर को लेकर के प्रभुपाद आते। जैसे श्रीमान महाप्रभु एक एक भक्तों के द्वारा उन्होंने एक एक अभिष्ट को पूर्ण किया है, रूप गोस्वामी को द्वारा रस को स्थापन किया, जीव गोस्वामी को द्वारा सिद्धार्थ को स्थापन किया, श्री नामाचार्य हरिदास का द्वारा नाम की महिमा प्रचार की, सनातन गोस्वामी को द्वारा संबंध ज्ञान दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी को द्वारा प्रयोजन तत्व को स्थापन किया, उसी तरह प्रभुपाद भी उनकी एक एक शिष्य को द्वारा प्रभुपाद भी एक एक अपना मनोभिष्ट को स्थापन किया है। इसलिए प्रभुपाद का घर में भी बड़े दूरंधर थे। अभी हमारे श्री माधव महाराज बता रहे थे साधारण लोग का जो भावना है कि सब घर भर छोड़कर कौन साधु बन जाता है, बोले जिसका घर में खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है, पैसा कमाने का कोई उपाय है, घर बार ठीक नहीं, कोई लोग घर बार छोड़ करके ये सब साधु बन जाते हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव जब मंदिर में आए ना उसी समय उन्होंने जब देखा भक्ति रत्न सुंदर गोस्वामी महाराज, भक्ति रत्न माधव गोस्वामी महाराज, हाँ श्री सारव गोस्वामी महाराज, और एक से एक धुरंधर अंग्रेज से बोले तो लगता है अंग्रेज श्री भक्ति हृदय इन्होंने देखा जो कोई किसी भाषा में भक्ति हृदय श्रीधर महाराज जिस समय वो संस्कृत बोलते हैं बाबारी क्या हमला, जिस समय वो हिंदी बोलते हैं लगता है हिंदी भाषी, जब वो अंग्रेजी बोलते हैं क्या अंग्रेजी उनकी। मेरे गुरुदेव कॉलेज में पहले पढ़ते थे, जैसे तो कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन गुरुदेव मंदिर में जब आए इन्होंने प्रभुपाद का घर को देख करके ना बोले भैया अभी हम तो भजन हम कितने कम लिखा बड़ा में इनको साथ में रह नहीं सकते। इसलिए मेरे गुरुदेव ने क्या की बोले नहीं इनको साथ में रखना तो हमें अच्छी तरह से पढ़ेगा। फिर मेरे गुरुदेव घर में गए चाह करके फिर उन्होंने गोपीनाथ जी पढ़े उन्होंने है, जब इसलिए उन्होंने भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज को ऋणी मानते थे। मेरे गुरुदेव जाकर के गोपीनाथ पढ़े, लास्ट पेपर देने का था लेकिन भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज बोले पढ़ाई बहुत हो गया अभी छोड़ो। जब दो बार प्रचार करने के लिए गए बोले चलो जो कुछ पढ़ाई हो गया हो गया, और ज्यादा पढ़ने का पेपर लास्ट देने का जरूरत नहीं, चलो प्रभुपाद का चरण में। तो इन्होंने उनको प्रभुपाद को उन्होंने हमारे गुरुदेव को उन्होंने फिर लेकर के आए, आने का नाम मेरे जो गुरुदेव इनको चरण में बहुत ऋणी मानते थे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज को। इसलिए इनका जो अंतिम संस्कार है हमारे गुरुपाद पद्मजी के अंतिम संस्कार की करने का बाद जैसे गुरुदेव चले जाने का बाद कुछ समय के लिए थोड़ी सी आंधी तूफान आती है, एक गुरु दशा होता है कुछ दिन के लिए गुरु दशा के लिए थोड़ी आंधी तूफान आती है। लेकिन जब थोड़ी आंधी तूफान आई तब मेरे गुरुदेव ने आकर के ये गौड़ीय वेदांत समिति को अच्छे तरह से संभाले, क्योंकि आचार्य कौन बनेगा इसी विषय में लड़ाई झगड़ा हुई, लड़ाई झगड़ा हुई तो कुछ लोग तो मंदिर छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव आकर के भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी को ये प्रभुपाद का चरण आश्रित थे हैं, प्रभुपाद का चरण आश्रित थे, इसलिए इनको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया और उन्होंने सेक्रेटरी बनाया श्री भक्ति
श्री टीपी प्रभु गोस्वामी महाराज सेक्रेटरी बनाया, और जो भाई से प्रेसिडेंट है उन्होंने भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को इन्होंने भाई से प्रेसिडेंट बनाया, बना करके इनको अच्छे तरह से बांध दी, और बोलते थे अगर कोई जरूरत पड़े विशेष करके मेरे पास में आना, मैं तो क्योंकि हमारे गुरु जी का मठ था पास में, मेरे पास में आना मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा। इसलिए महाराज ने पूरा ये गौड़ीय वेदांत समिति को अच्छे तरह से उन्होंने बांधे, तभी ये गौड़ीय वेदांत समिति दिन दिन तक ये तीनों महापुरुष मिलकर के ये गौड़ीय वेदांत समिति को अच्छे तरह से उन्होंने चलाया, और ये प्रचार को उन्होंने धीरे 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 तीनों ने इतने बढ़ाया, प्रचार को इतने बढ़ाया जो प्रचार केवल भारत नहीं संपूर्ण विश्व में जो प्रचार किया गया है। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्मा, इसलिए श्री गुरुदेव कहते इन्होंने हमारे गुरुदेव ने क्या काम किया है, कहते इन्होंने मेरे जो गुरुदेव है जैसे श्री जीव गोस्वामी को द्वारा श्री महाप्रभु ने सिद्धांत को स्थापित किया। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, एलो गौर रस नदी काल मिलि होए भासाई लगौर देश प्रेम वृष्टि दिए। उस भजन में कहते हैं श्री जीव गोस्वामी के लिए उदाहरण देते हैं, क्या क्या है श्री जीव गोस्वामी का गोस्वामी का वे सिद्धांत सलीले गोचाई बेतर का नल चीत जागे जोल। इसलिए कहते हैं श्री जीव गोस्वामी उन्होंने क्या किया, बोले हमारा हृदय में जो तर्क वितर्क तरह तरह का जो मतवाद है ना सो मुनि जस न मतम न भिन्नम, अलग अलग फिलोसफी का अलग अलग जो मार्गे हैं, जब तक हम सिद्धांत में पके नहीं हो, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बोलिया जिसे नाकर अलस जा है ते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत थोड़ा फिलोसफी थोड़ा कठिन है, कहते भैया अलसता मत क्या करना, क्योंकि जब तक सिद्धा बामन गोस्वामी महाराज एक अच्छी बात कहते थे, बामन गोस्वामी महाराज देखो जब तक हम अपना सांप्रदायिक सिद्धांत को नहीं समझोगे तुम्हारे भजन भी उतना परिपक्व नहीं है, क्योंकि थोड़ा बाबा जी लोग आकर भी बोलेंगे अरे गौड़ी पर तो छिबड़ा चूस रहे हैं, ये तो मंजरी भाव को नहीं देते, किसने आकर के उल्टा पलटा कुछ बोल देगा फिर क्या करेगा, हमने अपना गुरु जी संप्रदाय को भाग जाए, जैसे कुछ लोग चले जाते हैं बाबा जी के पास। इसलिए बाबा गोस्वामी महाराज मित्र नहीं अच्छे तरह से सिद्धांत को सीखो, जितने तुम्हारे सिद्धांत दृढ़ है उतना भक्ति में प्रकाश प्रवेश, अगर सिद्धांत नहीं जानते हो ना तुम्हारी भक्ति भी डामाडोल है। इसलिए मेरे गुरु भाग में इन्होंने सिद्धांत को उन्होंने स्थापन किया, इसलिए इनका नाम है भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, इसलिए उन्होंने इनका नाम सिद्धांत नाम दिया। इसलिए प्रभुपाद जी इनको नाम दिए उन्होंने विद्यावादी से नाम दिया, विद्यावादी से, क्योंकि वो जो हरि कथा बोलते थे वो बड़े सिद्धांत कथा बोलते थे, इसलिए प्रभुपाद प्रसन्न होकर के उपदेशक महा उपदेशक और विद्यावादी से, इसलिए प्रभुपाद ने अपना शिष्य की गुण के अनुरूप प्रभुपाद उनको टाइटल करते थे, इसलिए विद्यावादी से इनका नाम रखा। इसलिए सुन रहे थे ना फिर गुरुपाद से पूर्व काल में प्रचार करने के लिए नैनी महाराज के साथ में गए, लेकिन इनको खड़े कर दिया, बोले तुम थोड़ा कथा सुनाओ, बस एक प्रभुपाद कहते थे प्रिय ब्रुआ, उसके बाद में सत्य ब्रुआ, प्रिय अप्रिय न ब्रुआ, वहां पर एक वाक्य है, इसका मतलब है कहते हैं सत्य ब्रुआ सत्य बोलो लेकिन वो सत्य और अप्रिय तो मत हुआ का करो, लेकिन प्रभुपाद का बात ऐसे नहीं कहते सत्य बोलो है लेकिन वो अगर गलत हो ना सत्य अगर सही हो तो, इसलिए इसकी मन पसंद का अनुरूप मत कहा करो। हम लोग कहते हैं भैया ऐसी कहानी मत कहा करो, बोले क्यों वो बिगड़ नहीं जाए, लेकिन प्रभुपाद की विचार नहीं, प्रभुपाद का विचार है सच बोलो, अगर सच बात को सुन करके अगर एक व्यक्ति भी भजन में आएगा तो बहुत लाभ है, लेकिन झूठ मूठ बोल करके अगर एक व्यक्ति भक्ति में नहीं आएगा तो तब बोलने कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रभुपाद सच बोलते थे, इसलिए प्रभुपाद को जान से मारने के लिए कोशिश की गई, किंतु प्रभुपाद बोलते थे अगर ये सत्य बात को एक व्यक्ति अगर समझेगा तो कम से कम एक व्यक्ति का कल्याण तो होगा, लेकिन अगर हम झूठ मूठ का लोगों का प्रिय समझ करके झूठ मूठ का सारा दुनिया को बात बोले लेकिन एक व्यक्ति भी भजन नहीं करे उसका क्या मतलब है,
इसलिए प्रभुपाद का सिद्धांत है, हां कि प्रभुपाद का सिद्धांत, इसलिए गुरुदेव ने एकदम सच बात वहां पर बोल दी। बोले क्योंकि गुरुदेव उसी समय विवेकानंद को सबसे बड़े साधु माने जाते थे, इसलिए उन्होंने जब गए विदेश में केवल जीरो के ऊपर उन्होंने एक घंटा लेक्चर उन्होंने दिया, जिसको सुनकर लोग डर रहे थे अंग्रेजी भाषा में। उस समय अब अंग्रेजी बोलना कोई साधारण बात नहीं था, लेकिन गुरुदेव पहले संसार में तो वो विवेकानंद का पार्टी का लीडर थे, कॉलेज में की पार्टी जिसका लीडर गुरुदेव थे, क्योंकि उनको मानते थे ही बड़ा साधु, इसलिए उनके सारे फिलोसफी को पता था। फिर रामकृष्ण मिशन, इसलिए गुरुदेव ने बोल दिया ये मुर्गा मिशन है। बोले क्यों? बोले रामकृष्ण मिशन में साधु है लेकिन सारे मांस मछली खाते और मुर्गा मुर्गा खाते, इसलिए बोले ये रामकृष्ण मिशन है, ये मुर्गा मिशन है, हैं ये विवेकानंद नहीं ये विवेकानंद है। इसलिए ये बात सुनकर ना लोग सबके सब बिगड़ गए, पत्थर जूता सबके सब फेंकने लग गए। फिर प्रभुपाद के पास में टेलीग्राफ आया, सिद्ध स्वरूप ने सारे प्रचार को बिगाड़ दिया और यहाँ पर कोई भिक्षा नहीं दे रहे, उसने ये बात बोल दिया। प्रभुपाद इतने खुश हो गए, बोले ये सिद्ध स्वरूप ने लाख रुपया से प्रचार कर दिया, ये लाख रुपया से प्रचार, मतलब लाख रुपया उस समय बहुत बड़ी बात लाख रुपया की। प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, बोले मैं अभी अभी आता हूँ। फिर उन्होंने सबको एकत्र बुलाया, सबको फिर बुलाया, बुला करके फिर मेरे गुरुदेव को खड़े किया। बोले बताओ तो तुमने इस बात क्यों बताया? अरे मेरे गुरुदेव ने ये बात बताई, बोले देखो रामकृष्ण का जो मत है, मत है जतो मास ततो पद, बोले जितने मत है उतना ही पद है। बोले ये बात कहाँ पर बताए? इसलिए श्री युधिष्ठिर महाराज कहते हैं वेदा विधिर्ना स्मृतय विधिर्ना नासो मुनिर जस्य मतम न विरणम धर्म सतत्व निहित गुहाया महाजैन जैन गत सपत एक बद दो नहीं। ये महाजैन ने जो रास्ता में गए, लेकिन इनका मत है जितना मत उतना पद है, उनका मत है तुम जो कुछ क्यों नहीं करे एक जगह में पहुंच सकते, ये भी गलत है। क्योंकि गीता में कृष्ण खुद कहते हैं जाति देव प्रता देवा पितृम जाति पितृवता भूतानि जाति भूतेज्या और माम जाति ना भी माम। कृष्ण स्वयं कहते हैं जो जिसको पूजा करेगा वो वहीं पर जाएगा, लेकिन इनका मत क्या है जो कुछ तुम क्यों नहीं करो तुम सबके सब एक जगह, ये भी गलत है कभी। और उनका जो मतवाद है जैसे प्लेन के ऊपर ऊपर चढ़ गया, प्लेन पे चढ़ करके आप देखोगे नीचे सब बराबर दिखता है, नीचे सबके सब बराबर, इसका मतलब है जगत में सब बराबर है सब एक। बोले नहीं, वो जो बराबर दिखता है इसलिए हमारी दृष्टि की अभाव है, तभी सब बराबर नहीं हो गए, सब बराबर नहीं है तुम्हारी दृष्टि के अभाव से। खैर उन्होंने, और श्री विवेकानंद का फिलोसफी है भैया ये गीता पढ़ कर क्या होगा, फुटबॉल खेलो, अरे तुलसी में पानी क्यों दे रहे हो, ये तुलसी में पानी देने से कोई फल देगा क्या, तुलसी में पानी मत दो, बैगन का पेड़ में पानी दो वो बैगन देगा, इसलिए गीता मत पढ़ो फुटबॉल खेलो, गीता पढ़ कर क्या होगा फुटबॉल खेलो, उनका ये सब फिलोसफी है। इसलिए मेरे गुरुदेव ने ये सब फिलोसफी को खंडन किया, बोले कहां गीता साक्षात भगवान की मुखनि से तबाही गीता सुगीता कर्तव्य कि मन शास्त्र विस्तरी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिचित, ये साक्षात कृष्ण की मुखनि से तबाही गीता है। कृष्ण गीता में कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्व भवेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति, जब तक जीव गीता नहीं पढ़े प्रभु की चरण में शरणागत नहीं हो जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता, परम शांति नहीं। दिल्ली कहते गीता पढ़कर क्या होगा, फुटबॉल खेलो, जो वृंदावन कितना वृंदावन तुलसी जब कई प्रिया है केशव से च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमः नमः, जो कृष्ण भक्ति को देने वाले कृष्ण प्रेम को देने वाले कहते इसमें पानी देकर क्या होगा, जगह बैठ बैठ पानी दो, ये तो संपूर्ण शरीर बात है ये आत्मा बात नहीं। गुरुदेव ने सारे क्यों पहले उसी नहीं गुरुदेव थे उन्होंने सारे फिलोसफी को उठाया और उन्होंने विवेकानंद जाकर के वहां से अपना धर्म नहीं प्रचार किया, वहां से एक लड़की निवेदिता की लड़की थी, एक निवेदिता की लड़की को उसने यहां से लेकर वहां से लेकर इधर आ गए, अपना फिलोसफी नहीं है हमारे भारतीय फिलोसफी को प्रचार नहीं किया बल्कि उनसे लेकर के आ गए। उन्होंने जो खंडन किया था सभी को सामने खैर तो जयकार हो गया प्रभुपाद की, सारा दुनिया में हमारी बोलो सिद्ध स्वरूप प्रभु हजार की जय, प्रभु सब सब ठाकुर की जय।
ठीक है। और एक तो बात है, आप लोगों ने श्रवण किया है वेदांत सूत्र के ऊपर, इसलिए बोले तीन मृदंग है। कितना मृदंग है? तीन मृदंग है। एक है जो मृदंग बजाते हैं, दूसरा है बृहत मृदंग और तीसरा है जीवंत मृदंग। कहते ये तीन मृदंग है, लेकिन हमारे जो गुरुपाद वचन है वो तीन मृदंग पर पृथक है। पहला मृदंग है जिसको मृदंग बजाते थे, जिसको भजन गाते हैं। गुरुदेव मृदंग बजाना जानते थे, बड़े सुंदर गुरुदेव भजन भी गाना जानते थे, ये पहला मृदंग। बोले दूसरा मृदंग क्या है? सिर्फ बृहत मृदंग। बोले बृहत मृदंग किसको कहते हैं? बोले ग्रंथ को। ये जो ग्रंथ को कहते हैं बृहत मृदंग, इसको ऊपर में मेरे गुरु जी की बहुत बहुत अवदान, ये बृहत मृदंग में जिसको ऊपर में भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का आश्रय है। पूज्य बिहारी प्रभु जी ने प्रभुपाद को उन्होंने लाए, वही महापुरुष लाए। वो अगर नहीं लाते प्रभुपाद हम नहीं मिलते, हम कोई भजन नहीं कर सकते थे। वो हमारे गुरु जी के ऊपर में जब उन्होंने वेदांत सूत्र लिखे तो वो कह रहे हैं, कहते हैं, वो कहते हैं जगत में सबसे बड़ा वरदान कौन है जगत में? जो भगवत कथा को दान करते हैं, जिसको गोपियां कहती हैं, तब कथा मृत तप्त जीवनम कभी विरीतम कर्म तापम श्रवण मंगलम श्रीमदासतम हो विगृणन्ति ते होरिदाचनम। इसलिए गोपिया कहती है जगत में सबसे बड़ा दानी कौन है? जो कृष्ण कथा को दान करते, सबसे बड़ी दानी बताया गया। लेकिन वो भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज कहते हैं भैया जो कथा को दान करते सबसे बड़ा दान है, लेकिन उसी कथा को चिरस्थायी रूप में ये ग्रंथ रूप में जो प्रकाश करके जाते हैं, उनसे भी बड़ा वरदान है ये ग्रंथ को जो प्रकाश करके जाते हैं। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म इन्होंने श्री भक्ति भूषण सरोज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं प्रभुपाद का समय में बहुत बड़े सांस्कृत में विद्वान थे, बहुत बड़े। वो कहते हैं मेरे गुरु जी के बारे में प्रभुपाद एक समय मेरे को बताया था, बोले देखो हर संप्रदाय में भाष्य होनी चाहिए। जैसे रामानुज संप्रदाय में श्री भाष्य, निंबार्क संप्रदाय में पारिजात भाष्य है। जब तक कोई भाष्य नहीं होता है संप्रदाय की, उसको संप्रदाय नहीं मानते। यहाँ तक भी हमारे शंकर संप्रदाय में भी भाष्य है, नहीं तो उसको संप्रदाय नहीं मानी जाती है। और भाष्य किसको ऊपर होनी चाहिए? तीन ग्रंथों को ऊपर होनी चाहिए, प्रस्थानत्रयी तीन ग्रंथों को ऊपर। पहला नंबर वेदांत सूत्र में, दूसरा है भगवत गीता, तीसरा है उपनिषद। जब तक ये तीनों ग्रंथों को ऊपर उसका किसको कोई संप्रदाय नहीं मानते। इसलिए प्रभुपाद ने कभी मेरे को बताया था, देखो हमारे संप्रदाय में भी भाष्य हो, बोले कैसे भाष्य होनी चाहिए? प्रभुपाद जी बात बताए, बोले भाष्य ऐसे होनी चाहिए महाप्रभु ये जगत में जो आए, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार जो महाप्रभु आए, इसलिए आए कि वो अनर्पित चरित्र प्रेम को देने के लिए, वो ब्रज प्रेम को देने के लिए, गोपी भाव को, मंजरी भाव को देने के लिए प्रभुपाद किए महाप्रभु आए। इसलिए ये जो वेदांत सूत्र के ऊपर में वो जो महाप्रभु का जो अवदान है वो भाष्य में ये चीज होनी चाहिए, उन्होंने प्रभुपाद को बताया। जो विद्वान देखो कहते हैं मैंने ग्रंथ तो बनाया प्रभुपाद आदेश से, लेकिन छोटे मोटे ग्रंथ थोड़ी बहुत मैंने बना दिया, लेकिन मेरे मन में गवाही नहीं दिया, मैं संतुष्ट नहीं था। लेकिन मैंने बाद में सुना ये भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज ये ग्रंथ को ग्रंथ रचना कर रहे हैं, सुनते ही मैंने भागते भागते गया वहां पर। सचमुच से देखा सिद्धार्थ महाराज ने उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर में इतने मोटे मोटे उन्होंने चार ग्रंथ उन्होंने बनाया, चार ग्रंथ बनाया। और एक बात कहते थे हमारे गुरुदेव, जब कोई एक ग्रंथ प्रकाश होता था ये ग्रंथ कौन है? कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण स्वरूप है। जैसे कृष्ण जन्म लेने पर हम उत्सव करते हैं, मेरे गुरुदेव जब कोई एक ग्रंथ बनता था गुरुदेव बहुत बड़ा भंडारा करते थे, उत्सव करते थे। क्यों? भगवान ही ग्रंथ स्वरूप में विद्यमान है, वो उत्सव मनाया करते थे एक ग्रंथ प्रकाश में, क्योंकि ये ग्रंथ चिरस्थायी रूप में, ये ग्रंथ जगत में चिरस्थायी रूप में रहेगा। और मैंने देख कर इतना प्रसन्न हुआ, और ये प्रभुपाद का मन अभिष्ट ने स्थापन किया कि बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए और वेदांत सूत्र में उन्होंने विशेष करके जो श्रृंगार रस है, साधारण संप्रदाय में देखो
सख्य रास्ते को वहां पर दिया गया दूसरी संप्रदाय में, लेकिन मेरे जो गुरुपाद भस्म उसमें श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को स्थापन किया। और दूसरी बात है वो कहते हैं ये वेदांत सूत्र क्या है, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्र, बोले ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ ही वेदांत है, इसलिए वो कह रहे हैं। लेकिन ये ब्रह्म सूत्र का कौन सा सूत्र, ये भागवत का कौन सा श्लोक को लक्ष्य कर रहे हैं, वो कह रहे होंगे साधारण बात नहीं, क्योंकि हर सूत्र में दिखाना पड़ेगा ये अर्थ अयम ब्रह्म सूत्र नाम, ये भागवत ब्रह्म सूत्र का अर्थ है दिखाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने पूरी भागवत का कौन सा श्लोक ब्रह्म सूत्र में लागू हो रहा है वो सारे उन्होंने श्लोक उठा कर बहुत अच्छे तरह से रूप में बताया। एक बहुत बड़ा विद्वान पूरी में उसने वो मेरे को कह रहा था, बोले मैंने आपका गुरु जी की ये वेदांत सूत्र को पढ़कर कोई टीचर की जरूरत नहीं, मैंने कलश कलश मेरे को मिला है, मैंने किसी टीचर के पास में गया नहीं, बहुत बड़ा विद्वान केवल ये वेदांत सूत्र को पढ़कर मैंने पेपर दिया और मेरे को पास कलश मिला वेदांत सूत्र को करने, लेकिन आपके कलश मिला। इसलिए अब जब मेरे गुरुदेव जब वेदांत सूत्र को निकाले, अभी यूनिवर्सिटी में पेपर में निकला और यूनिवर्सिटी का लोग भी लेकर पढ़े, अद्भुत ग्रंथ उन लोगों ने मेरे गुरुजी को पास में यूनिवर्सिटी से, बोले देखो आप एक काम कर सकते हो, बोले बताओ, बोले इसमें जो साधुओं का फोटो है ना, जैसे प्रभुपाद का, भक्तिम ठाकुर का, गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, इनके सब फोटो पहले दिया हुआ, बाबा लोग तो अद्भुत जैसे, भक्तिम ठाकुर जी अगर पागल जैसे बैठे हुए साधु तो पागल, बोले एक काम करो भाई, जब ये जो साधुओं का फोटो दिया उसको निकाल दो, निकाल दो, अगर निकाल दोगे ना हम इसको यूनिवर्सिटी में चला देंगे, जब तक ये यूनिवर्सिटी रहेगा तब तक हमारी वेदांत सूत्र यहाँ पर पढ़ाई होगी, लेकिन ये साधुओं का फोटो को निकाल दो, बोले हमें पुस्तकों को यूनिवर्सिटी में चलाने का जरूरत नहीं, ये जो हमने ग्रंथ लिखा है हमारे गुरु जी साधुओं को कृपा से ही मैंने ये ग्रंथ लिखा, और ये हमारे गुरुद्वारों को निकाल देंगे बोले यूनिवर्सिटी में चलेगा, हमें जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी में चलने का, हमारी जरूरत है हमारे गुरुवर्ग की महिमा जगत में प्रकट हो। अब विशेष कर मेरे गुरुदेव का विशेष चीज थी, जैसे हम लोग माला में ना जब करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसलिए मेरे गुरुदेव हर समय केवल प्रभुपाद हा प्रभुपाद हा प्रभुपाद, मैंने स्वयं देखा सारा दिन प्रभुपाद का नाम लेते, सारा दिन प्रभुपाद का मतलब गुरु चरण में कैसे निष्ठा होनी चाहिए दिखाया करते थे। और एक बात बोल के समाप्त कर देता हूँ, देखो ये प्रभुपाद का जितने कण कितने महान, जब एक समय में एकदम नया नया आया था मठ में, एकदम नया था, एक दिन मेरे गुरुदेव ने देखो प्रभुपाद का कण कितने महान है, गुरुदेव ने कहा देखो अभी मेरे लिए रथ आया है, मेरे लिए रथ आया अभी मैं जा रहा हूँ, गुरुदेव ने बोले मेरे लिए रथ है अभी मैं जा रहा हूँ, इसलिए शिष्यों को बुला कर बोले कीर्तन करो, देखो प्रभुपाद का गण कितना भक्त हो, अभी मैं जा रहा हूँ तुम लोग कीर्तन करो, मेरे को स्नान करके तिलक कर दो, अभी गुरुदेव को स्नान कराया तिलक कराया, बोले मैं जा रहा हूँ रथ आया है, हम मैं तो नया था, हमको कुछ पता नहीं था क्या होता है, हम लोग सिर्फ जितने शिष्य लोग थे ना सबसे से रोना शुरू कर दिए, गुरुदेव कह रहे मैं जा रहा हूँ है कीर्तन कर रहे थे, लेकिन जब थोड़ी देर कीर्तन किया हरिनाम कर रहे थे, फिर गुरुदेव कुछ देर बाद में बोले बोले देखो मेरे को कह रहे हैं और कुछ काम तेरे लिए अभी बाकी है, अभी अभी नहीं जाना कुछ दिन बाद में जाना और तुम्हारे लिए और कुछ काम बाकी है, गुरुदेव स्वयं बोले, फिर गुरुदेव कुछ दिन के लिए रहे, फिर कुछ दिन बाद में अंतर ध्यान हुए। इसका मतलब है प्रभुपाद का जितने गए ये राधा रानी की नित्य परिकर है, ये जो लोग कह रहे हैं मेरे लिए रथ आया है अब मैं रथ में बैठा करके जाऊंगा, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं, तो बैठ कर हरिनाम करो, अब समझो वो महापुरुष लोग कितने बड़े रहेंगे, जो ये इतिहास तक भी जो रथ जिसके लिए लेने के लिए वृंदावन से रथ आए, इसलिए इनकी अनंत महिमा अनंत कथा, अगर समय होगा तो हम शाम को अगर समय होगा तो बहुत थोड़ी द्विवेदी जी के बारे में बताएंगे, हम यही बोल करके अपना वक्त को हम समाप्त करते हैं। बादशाह हरे कृष्ण, आज के हमारे घने चारटा समय श्री मदे श्रीधर महाराज বাঙালি মায়ের জন্য শাড়ি দিবেন,
যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন